हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर से ही पपीते के बीज लेके हम पपीते को कैसे उगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पपीते को आधा कट कर लेंगे। मैंने इसको आधा कट कर लिया है, ये देख रहे हैं आप, इसमें बीज हैं। अब मैं इसको एक पॉलीथीन में निकाल लूँगी, ये सारे बीज। जानते हैं जो पपीता है उसको खाने से हमारा लीवर बहुत अच्छा होता है और इसे घर पे ही बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। हमें कहीं भी बाहर से पेड़ लेने की, गार्डन से, नर्सरी से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको घर पे ही उगा सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हम घर में ही जो चीज़ें हमारी अवेलेबल हैं उनसे ही अपने प्लांट बना सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, घर में जो बीज सारे अवेलेबल हैं तो हम क्यों ना इनसे अपने पौधे घर में ही बना लें। तो मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे उगाना है। अब मैं, ये मेरी एक छोटी सी क्यारी है, तो इसमें मैं थोड़ी सी गुड़ाई कर लूँगी। गुड़ाई करने के बाद जो पपीते के बीज मैंने इस पॉलीथीन में निकाले थे आपके सामने ही, सारे के सारे मैं इस क्यारी में डाल दूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई पौधे नहीं उगेंगे। हमने इसमें 50-60-100 के करीब बीज हैं ये डाल दिए हैं, कहीं पैसे नहीं लगाए हैं, कहीं मेहनत नहीं की है, भाई मार्केट में गए हैं लाने। तो बस इसको इसी तरह से हमने इसकी थोड़ा सा गड्ढा निकालना है और उसमें ये डाल देने हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है ये। तो आप देखेंगे ये महीने डेढ़ महीने के बाद बहुत अच्छे से पौधे उगाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये पौधे कैसे उगाए हैं। ये कोई भी बात मुश्किल नहीं है अगर आप चाहें तो। अब देखिए ये जो बीज हैं आप देख रहे हैं, ये जो जामुन, हमारे घर में जामुन आए थे खाने के लिए, तो बच्चों ने कुछ जामुन बचा दिए थे, मैंने इन जामुन को यहाँ पे डाल दिया था। अब देखिए ये छोटे छोटे, ये लगाट का, देखिए ये मैंने लगाट के बीज डाल दिए हुए हैं, तो लगाट का भी छोटा सा पौधा उगाया है। ये देखिए लगाट के छोटे छोटे, ये देखिए लगाट के छोटे छोटे पौधे उगाए हैं यहाँ पे। ये मैंने मौसमी जो किन्नू है हमारा, ये उसके बीज फेंके थे तो उसके बीज भी आ गए हुए हैं। अब ये देखिए आप, ये जामुन के बीज मैंने डाले थे, ये देखिए कितने पौधे हैं जामुन के, ये सारे जामुन के पौधे हैं छोटे छोटे। ये देखिए अभी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जामुन की गुठलियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए ये मैंने डाल दी थी, अपने आप ये उगाती हैं, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस डाल दीजिए। देखिए वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने ही महत्वपूर्ण हैं, हम लोग इसको अगर समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। हम लोग जानते ही नहीं हैं कि हमारे घर में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हम इनको वेस्ट कर देते हैं। अब ये चीज़ें देखिए, ये कितने प्यारे पौधे हैं। अगर मैं इनको कहीं भी गार्डन में या नर्सरी में बेच दूंगी, मैं क्या करती हूँ इन पौधों को कहीं नहर के किनारे या कहीं पार्क में लगा के आ जाती हूँ, तो जब जब पौधे बड़े होते हैं और उनमें फल लगता है मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखिए ये लगाट है, ये देखिए छोटे छोटे लगाट के पौधे हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारे घर में मैंने गुल्लियाँ खा के गुठलियाँ इनकी इधर फेंकी हुई हैं, ये हो गई हैं। ये देखिए ये नींबू का है, तो मैंने नींबू की गुठलियाँ इधर डाली थी तो हो गई हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे पौधे हैं, कोई मेहनत नहीं की है, बस इनको डाल दिया है। जो पौधा आप देख रहे हैं ये मौसमी का पौधा है, किन्नू का। इसमें बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े मौसमी पड़ी थी, इसमें अभी किन्नू पड़े थे। ये मैंने घर पे ही लगाया था, जैसे जो वो आपको छोटा सा पौधा बता रही हूँ वैसे ये घर पे ही लगाया। आज देखिए ये कितना बड़ा हो गया है और इसमें बहुत अच्छे फल लगते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि वो लगाट का पौधा देखा आपने, छोटा सा है, ये देखिए ये घर पे ही मैंने लगाया हुआ है, इसको फल पड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप फूल पड़ गए हैं, इसको बहुत अच्छे अच्छे लगाट पड़े थे। ये मैंने घर पे ही लगाया, ये पौधा भी मैंने घर पे ही लगाया था। अब मुझे इतनी खुशी होती है जब जब बहुत बड़ा हो गया और फल देने लगा है। लोग पूछते हैं आपने कहाँ से पौधा लाया था ये, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये मैंने घर पे ही उगाया है। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मैं इनको अपने घर पे ही उगाती हूँ और बहुत सारे पौधे मैंने लोगों को भी बांटे थे, उनके घरों में भी लगे हैं। अगर ये हमें जीवन देते हैं, ये पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है, अगर ये हमें ऑक्सीजन देते हैं तभी तो हम जिंदा हैं, तो हमें भी इनकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
ये देख रहे हैं आप टमाटर का पौधा है, इसको भी मैंने टमाटर हमारे घर में जो आते हैं कभी गल जाते हैं, कुछ हिस्सा उनका ख़राब होने लगता है, तो मैं क्या करती हूँ इस क्यारी में इसको मैंने डाल दिया था। ये देखो आप टमाटर के कितने पौधे छोटे छोटे उगाए हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस मैं इधर डाल देती हूँ। ये देख रहे हैं टमाटर ही है, बस मैं क्यारी में छोटी सी क्यारी में इनको डाल देती हूँ। और जो इमली है, जो हम इमली खाते हैं कभी कचालू बनाते हैं कुछ खाते हैं, मैंने इमली के बीज यहाँ डाल दिए थे और जो इमली का छोटा सा पौधा यहाँ पे उगाया है, देखिए कोई मेहनत नहीं की है, बस इधर जो भी गुठलियाँ उनकी होती हैं उनको मैं डाल देती हूँ बस। ये देखिए टमाटर का पौधा, ये मैंने टमाटर डाल दिए थे, जब जब ज़्यादा हो जाए तो मैं किन्नी लोगों को ये दे देती हूँ। अब देखिए ये लगाट है, ये छोटा सा लगाट है, देखिए आप ये गुलियाँ फेंकी हुई हैं मैंने और ये हो गए हैं, ये लगाट के छोटे छोटे पौधे आप देख रहे हैं। ये अमरूद, मैंने अमरूद खाया था और इसमें डाल दिया था जो बचा हुआ था, देखिए खुद ब खुद उगाया है। अब ये देखो ये मिर्ची है, मिर्ची के बीज भी घर में होते हैं, मिर्ची साबुत मिर्ची जो होती है उसको आप बस यहाँ पे डाल दीजिए क्यारी में, अपने आप हो जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस डालना है इतनी मेहनत करनी। ये देखिए ये जो किन्नू है ये मैंने डाला हुआ था बीज इसके, अब ये देखिए यहाँ तक हो गया, इतना छोटा सा पौधा है ये हो गया, इतना यहाँ तक पहुँच गया, ये भी मैंने खुद ही बीज फेंके हुए हैं, तो देखिए एक पौधा ये और एक वो इतना बड़ा हो गया है। ये देखिए अमरूद, मैंने इधर ही खा के एक अमरूद यहाँ पे डाल दिया था, तो देखो ये छोटा सा अमरूद का पेड़ भी यहाँ पे होने लगा है, ये किन्नू के पेड़ हो रहे हैं, देखिए आप छोटे छोटे किन्नू के पेड़ हो रहे हैं। ये देखिए ये लगाट है, छोटा छोटा लगाट, देखिए ये गुलियाँ मैंने फेंकी हुई हैं, कुछ नहीं किया है, बस खा के गुठलियाँ मैं इधर फेंक देती हूँ, बस ये अपने आप पौधे छोटे छोटे निकल आते हैं। ये देख रहे हैं आप, अभी ये अश्वगंधा का ये बीज देख रहे हैं, ये अश्वगंधा का बीज है, ये खुद ब खुद नीचे गिरा है, देखना कल ये पेड़ बन जाएगा यहाँ पे बहुत अच्छा। ये देखिए ये अश्वगंधा का पेड़ है, ये भी खुद ब खुद लग गया था यहाँ पे, मैंने बीज डाले थे बस, ये देखिए अब ये खुद ब खुद ये इसके बीज निकल रहे हैं, ये गिर रहे हैं नीचे और अपने आप इनके पौधे निकलेंगे, आप देखिए ये देखिए इसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ये अश्वगंधा हमारे लिए इतनी हेल्दी है, ये कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है और हमारे माइंड को इतना सेट रखता है। ये देखिए बस आपको पेड़ पौधों से प्यार होना चाहिए, इसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका ध्यान रखना है, इनको प्यार करना, अगर आप इनको प्यार करते हैं तो देखिए ये कहाँ तक जाते हैं। ये देखिए अमरूद का, ये भी मेरा एक अमरूद योदे नीचे है, ये देखिए इतना हो गया, ये भी मैंने घर में ही खाया था और इधर क्यारी में डाल दिया था, यहाँ तक पहुँच गया है, बताओ मैं कोई भी चीज़ मैंने बाज़ार से नहीं लाई है, ये सारे पेड़ पौधे मेरे घर पे ही हुए हैं। और देखिए बाकी सारा मार्बल का पार्ट है और ये हिस्सा एक छोटा सा मैंने इनके लिए रख लिया था, तो सोचिए इतना छोटा सा हिस्सा भी मुझे कितना कुछ दे रहा है। ये देखिए ये अनार है, अनार खा के मैंने एक अनार इसमें डाल दिया था और देखिए ये अनार का पौधा भी, ये देखिए इसमें फूल भी होने लगे हैं, ये अनार के फूल है, अनार का फूल इतना अच्छा है, तो सोचिए पौधा कितना अच्छा होगा। ये गुलाब की कटिंग है, ये मैंने एक ये गुलाब की कटिंग मैं मार्च में लगा दूंगी, मैं आपको लगाना बताऊंगी, देखना कितने अच्छे फूल होते हैं इसमें। इस वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगी, आज मैंने आपको बताया कि घर में ही जो भी आपके घर में फ्रूट आता है सब्जियाँ आती हैं तो आपको उनको कैसे उगाना है ये मैं बताऊँगी आपको, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, उसमें आपको मैं और कुछ बताऊँगी, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे इंसान को हिम्मत मिलती है।